हनी फैमिली एंड बेबी केयर में आप सबका स्वागत है। तो मौसम चेंज हो रहा है, तो इसमें बच्चों को सर्दी, कफ, खांसी होना नॉर्मल बात है। तो इसको जल्दी सही करने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, चलो वीडियो में देख देख। बच्चों का वैक्सीनेशन जरूर करवाइए, क्योंकि वैक्सीनेशन से बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो इसलिए आप बच्चों का वैक्सीनेशन करवाना बिल्कुल ना भूलें। बच्चे के बॉडी में पानी की कमी बिल्कुल ना होने दीजिए। बच्चे को टाइम टू टाइम फीडिंग जरूर कराते रहिए। अगर आपको फीडिंग कम होती है तो बच्चे को फॉर्मूला मिल्क भी दीजिए, बट उसके बॉडी में पानी की कमी बिल्कुल ना होना। अजवाइन की पोटली बना के बच्चों के सर के पास रखिए, इससे बच्चों की बंद नाक जल्दी खुलती है। साथ में आप जायफल का पेस्ट बच्चों के माथे पर लगा के 15-20 मिनट में साफ कर दीजिए, उससे भी बच्चों को काफ़ी राहत मिले। बच्चे को आप स्टीम भी दे सकते हैं, उससे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। साथ में अगर आप स्टीम नहीं देना चाहते हैं बच्चों को, तो आप हल्के गुनगुने पानी में गीला कपड़ा करके बच्चे की नोज के साइड में आप अच्छे से रब कीजिए, इससे भी बच्चों को बहुत राहत मिलती है। साथ में आप मेडिकल स्टोर से बेबी रब या बेबी विक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों की सर्दी जुकाम में, वो इससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसे आप बच्चों के पैर के तलवों के नीचे लगाइए और पीठ में सुलाते टाइम लगाइए, और इससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे को सूट हो रहा है तो आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। बट आप इसका ध्यान रखिएगा कि आपका बच्चा 3 मंथ से ऊपर हो। 3 मंथ से अगर छोटा है तो आप विक्स का इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो ये सब उपाय करके आप अपने बच्चों को जल्द से जल्दी राहत दे सकते हैं। आई होप आपको मेरे इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।